हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आज जो हमारा सेशन है वो साइंस 2 का है। ये वीडियो न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि विज्ञान शिक्षकों के लिए, हाई स्कूल पढ़ाने वाले सारे विज्ञान शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और ये वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है। आमतौर पर देखा जाए तो साइंस 1 जो फिजिक्स पोर्शन होता है उसके कई वीडियोज़ होते हैं, लेकिन बहुत सारी डिमांड ऐसी होती है कि विज्ञान यानी भाग 2 बायोलॉजी पोर्शन कैसे शुरू किया जाए। तो आज से हम बायोलॉजी 10 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बायोलॉजी के वो पोर्शन जो पढ़ाने में आसान हो, कक्षा में दिखाने में आसान हो और बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं साइंस 2 बायोलॉजी की शुरुआत करते समय। जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले साल जब जो साइंस 2 का पोर्शन था उसमें एक लेसन था हेरिडिटी और वेरिएशन, और इस साल उसी का थोड़ा सा आगे होके जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस 2 का वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब अनुवांशिकता और उत्क्रांति। तो ये दोनों लेसन को, ये दोनों पाठों को कोई भी प्रदेश हो वहाँ पे जब शुरू करते हैं तो कनेक्ट करना पड़ता है पिछले पाठों से। तो साइंस 1 का जो लेसन है वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, मतलब अनुवांशिकता और उत्क्रांति है। तो उसको शुरू करते समय कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, तो आज उसमें से एक पार्ट जो है कि हम कक्षा में जाएंगे तो क्या हो, क्या कर सकते हैं। सभी टीचरों की भी डिमांड होती है कि बायोलॉजी पोर्शन शुरू कैसे किया जाए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दोनों लेसन को कनेक्ट करने के लिए है। पिछले साल के लेसन्स में जहाँ पे अनुवांशिकता जो लेसन था और परिवर्तन था उसके, उसमें डीएनए पोर्शन दिया था, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको बहुत अच्छी तरह से शिक्षकों ने पढ़ाया। आरएनए थे, उसके प्रकार थे, क्रोमोसोम्स थे, उसके टाइप्स थे, बहुत सुंदर 3D 2D डायग्राम्स थे। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन था कि आप डीएनए फिंगरप्रिंट से क्या समझते हो। तो जब हम साइंस 2 का जब 10वीं कक्षा में जब हम पढ़ाने जाते हैं, क्लास 10th में पढ़ाने जाते हैं, तब डीएनए एकदम शुरू ना करके हमको डीएनए फिंगरप्रिंट से स्टार्ट करना चाहिए। तो बच्चों को पूछना चाहिए कि हेरिडिटी क्या है, तो बहुत अच्छे से टीचर्स भी और बच्चे भी डेफिनेशंस बताते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऑफस्प्रिंग में पास होता है, और फिर जीन्स का बताते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म बताते हैं, आरएनए का बताते हैं। तो फिंगरप्रिंट क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट सीधा ना पढ़ा के फिंगरप्रिंट क्या होता है, तो उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है। साइंस 2 के टीचर्स थोड़ा सा ध्यान से देखें कि कक्षा में करवाना क्या है हमको, विद्यार्थी आप लोग भी कर सकते हैं। और यकीन मानिए 10 मिनट के इस वीडियो में ये जो पोर्शन है बायोलॉजी का ये कहीं भी दिया नहीं गया है, बिल्कुल 10 मिनट्स बायोलॉजी जो हम लेने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये आप लोग के लिए बिल्कुल नया है। और इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक, लास्ट तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर कक्षा में करना क्या है आप लोगों को। और आपको पता है कि एक चैनल है साइंस विद दीप्ति, उसमें आप ये कभी भी जाके देख सकते हैं, मैं उसमें डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको, इस एक्सपेरिमेंट के लिए, फिंगरप्रिंट एक्सपेरिमेंट के लिए आपको लगेगा एक पेपर लगेगा, 2 प्लेन पेपर है A4 साइज के जो कंप्यूटर में लगते हैं, साथ में एक छोटा सा रफ पेपर लगेगा, एक पेंसिल लगेगी आपको, पेंसिल है ये, शार्पनर लगेगा, ये कैंची है, सेलो टेप लगेगा आपको, उसके बाद में एक पेन है आपके पास में, और एक स्टैम्प पैड लगेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है फिंगरप्रिंट का, ये हम 2 तरीके से कक्षा में कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आपने बोलना है कि आपको अपने अपने फिंगरप्रिंट्स कागज पे बनाने हैं। तो अब विद्यार्थी कैसे बना सकते हैं, एक तो तरीका है स्टैम्प पैड, वो मैं आखिरी में दिखाऊंगी आपको, लेकिन सबके पास स्टैम्प पैड नहीं होता है। तो इसे इजी कैसे कर सकते हैं, तो विज्ञान शिक्षक ध्यान से देखें कि आखिर हम इस एक्सपेरिमेंट को कर कैसे सकते हैं। तो करना क्या है, एक पेंसिल लेना है आपको, देखिए पेंसिल है, ये शार्पनर है, शार्पनर से पेंसिल को अच्छी तरह से शार्प कर लीजिए, साधारण पेंसिल भी चलेगी। और ज़्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना है आप लोगों को, तो आपको 2B पेंसिल जो ज़्यादा ब्लैक होती है वो कीजिए। एक सादा पेपर ले लिया है, आप देख रहे हैं गौर से वीडियो को, और इस पेंसिल को आपने क्या करना है, किसी एक पोर्शन में इस प्रकार इसको ब्लैकन करना है, ऐसे ऐसे, मैं दिखाऊंगी आपको पास में लाके, तो इस प्रकार खूब सारा ऐसे ब्लैकन कर देना है। तो डार्क डार्क इसका जो ग्रेफाइट है ये व्हाइट वाले पेपर में उतर जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये पूरा मैंने हिस्सा जो है ये ब्लैक कर दिया।
तो विद्यार्थियों को भी बोलना है, आप पेंसिल लीजिए, ब्लैक कर दीजिए। देखो ये वाला पोर्शन छोटा था, ब्लैक हो गया है, थोड़ा सा और इसको डार्क बना देते हैं हम लोग ऐसे। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये करने में विद्यार्थियों को बहुत मजा आता है, और अपने घर के माँ बाप, माता पिता, भाई बहन सबका कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का आपस में कर सकते हैं, और विज्ञान शिक्षक भी करके देखिए अपने। ये वीडियो होने के बाद में आप लोग करके देखिए कि ये एक्सपेरिमेंट आपसे होता है या नहीं। और मेरी ऐसी आशा है कि सभी को आने वाला है, क्योंकि ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है आपको, आपको अपने फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, तो शुरुआत आपने कैसे करनी है, शुरुआत आपने इस फोर फिंगर से करनी है। इस फोर फिंगर को लेके आपने क्या करना है, ये जो ब्लैक एंड पोर्शन है जो काला किया है उस पे ऐसा, मैं आपको सामने दिखाती हूँ, उस पे ऐसा रब करना है ऐसे। ये हम अपनी फोर फिंगर को इस प्रकार रब कर रहे हैं इस पेंसिल के डार्क हिस्से में। देखिए ये जो फोर फिंगर है ये पूरी तरह से ग्रेफाइट के ब्लैक रंग के कारण देखिए ब्लैक हो गई है, और यदि कम हल्का हो रहा है तो आप थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं इसको, 2B पेंसिल ज्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेलो टेप लेना है। मेरे पास साथ में कोई स्टूडेंट नहीं है अभी, क्योंकि मैं घर से ये वीडियो बना रही हूँ। तो अब आपको एक सेलो टेप लेना है, ये सेलो टेप ले लिया आपने, इसको खोल लिया, और इस सेलो टेप को अपने ये जो फोर फिंगर है उसमें ऐसा लगा देना है, इस प्रकार लगा के। आपको अब सीजर की जरूरत पड़ेगी तो इसका फ्रंट वाला पोर्शन आप छोटा सा काट सकते हैं ऐसे, और जहां से इसका पिछला पोर्शन उंगली के थोड़ा पीछे से आप काट लीजिए। आप सेलो टेप को कोई भी एक चीज लगा के बाजू में रख दीजिए, क्योंकि आपको बाद में भी काम पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको लेना है। अब क्या होगा, ये जो आपके उंगली के फोर फिंगर के फिंगरप्रिंट्स हैं ये इसमें सेलो टेप में आ जाएंगे। उसको आप एक प्लेन पेपर लेना है ऐसे, और प्लेन पेपर लेके आपको दिख रहा होगा इस प्रकार चिपका देना है। और चिपकाने के बाद में आप जब गौर से देखेंगे तो आपके फोर फिंगर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इस सेलो टेप के जरिए इस कागज में आ जाएंगे। ऐसे ही मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, सारे एक्सप्रेशंस लेने हैं आपको। और लेने के बाद में आपने करना क्या है कि इसको लिखते हुए जाना है सब। तो मैंने यहाँ पे बनाया है, एक मैंने आपको बना के दिखाया, ये मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं, आप देखिए इस प्रकार। ये देखिए ये थंब का है, ऊपर मैंने लिखा है फिंगरप्रिंट्स, ये थंब का है, ये फोर फिंगर का है ऐसे ही सेलो टेप में, फिर ये मिडिल फिंगर का है, ये रिंग फिंगर का है, ये लिटिल फिंगर का है। तो ऐसे ही दोनों हाथों से बनाने हैं, और दोनों हाथों से बनाने के बाद में अपने स्टूडेंट्स को बोलिए, टीचर्स खुद भी बनाइए करके देखे, इन हाथों के बनाने हैं और इन हाथों के बनाने हैं। दोनों हाथों के ऊपर एक ऊपर और एक नीचे बनाने के बाद में फिर हमको इनका कंपैरिजन करना है, इनकी इनमें देखना है कि क्या है। तो फिंगरप्रिंट्स जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि किसी भी हमारे खुद के दाहिने हाथ और बाएं हाथ के फिंगरप्रिंट्स आपस में थोड़े बहुत मिलते होंगे, लेकिन किसी भी यानी फिंगरप्रिंट्स हम किसी भी व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचानेंगे, या तो उसके फेस से पहचानेंगे, या तो आंखों के रंग से पहचानेंगे, अंगूठे के निशान से पहचानेंगे, और बहुत ही है, और इससे भी आगे जो टेक्निक है जो अभी पुस्तक में है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स और ये फिंगरप्रिंट्स में फर्क क्या है, ये एक्सटर्नल फिंगरप्रिंट्स है हर एक का, इसमें हमको लकीरों के सीक्वेंस पता चलते हैं। और वो सीक्वेंस कैसे होते हैं मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। वो तीन प्रकार के सीक्वेंस होते हैं। पहला सीक्वेंस होता है कि आपको इस प्रकार का चेन लूप हो जाएगा, तो ये लूप होएगा, तो इसे हम लूप कहते हैं। ज्यादातर 60-70% पूरे वर्ल्ड में लूप इस प्रकार का फिंगरप्रिंट रखते हैं। उसके बाद में एक होता है, एक टाइप होता है, वो होता है होल, मतलब ये गोलाकार इस प्रकार, ये तो ये होल मतलब गोल 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 होता है। तीसरे प्रकार का होता है ये,
अब आप देखिए, इस प्रकार आपको ये थर्ड प्रकार का यहां लिखा नहीं है मैंने, ये आर्क टाइप है। ये जो आर्क टाइप है ये रिजस होते हैं, तो रिजस मतलब इसमें कोई भी, सभी रेखाएं कैसी होती है, जनरली सीधी सीधी होती है। तो ये जो प्रकार है, ये जो प्रकार है, ये लूप दिखेगा आपको, या फिर आपको यहाँ पे होल मतलब गोलाकार दिखेगा, या फिर आपको ये आर्क टाइप दिखेगा। आर्क लूप के भी दो प्रकार है, डबल लूप होता है, सिंगल लूप होता है, और आर्क के भी बहुत प्रकार है। तो इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से उसको पहचान सकते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंट्स हम कैसे प्राप्त करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंट्स के लिए हमको सलाइवा लेना पड़ेगा, बॉडी का कोई भी हमको एक टिश्यू लेना पड़ेगा। तो क्यों करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंट? उसमें जीनोम का, जैसे हमको यहाँ पे लाइन रिजेस और फ्रिंजेस का हमको फर्क पता पड़ता है, उसकी डीपनेस पता पड़ती है, वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंट्स में जीनोम के हमको सीक्वेंस पता पड़ते हैं। वो सीक्वेंस हर व्यक्ति के खुद के ही होते हैं, मतलब उसके जैसा जीनोम का सीक्वेंस दूसरा किसी भी का भी नहीं होता है। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स पैटर्निटी पता लगाने में, मदर कौन है वो पता लगाने में, जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं किसी का, उस समय हम मैच करते हैं कि हो रहा है कि डोनर और एक्सेप्टर में कितना मैच होता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है। और यदि आप पेंसिल से बच्चों को बता चुके होंगे तो एक और टेक्निक है, ये स्टैम्प पैड है, इससे तो बहुत अच्छा होता है। स्टैम्प पैड आप इस प्रकार लीजिए क्लास में और कक्षा में बांटिए, पेपर्स बांटिए, और इस प्रकार स्टैम्प पैड पे अपने अंगूठे इस प्रकार लगा के, ये दोनों अंगूठा लगाने के बाद उसी पेपर के नीचे में आप ये पेन से, स्टैम्प पैड से एक ये दाहिना और ये एक बायां, इस प्रकार हमको फिंगरप्रिंट्स बताना है। तो फिंगरप्रिंट्स एक बार बच्चों को समझ में आ जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंट समझेगा। तो फिंगरप्रिंट और डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या फर्क होता है ये बता सकते हैं। थियोरी सब जगह दी गई है, किताब में भी दी गई है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था टीचर्स को भी समझने के लिए, बच्चों को भी समझने के लिए। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखना, और साइंस विद दीप्ति चैनल में डाला हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आने पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जरूर देखिए 10 मिनट्स साइंस बायोलॉजी सीरीज। थैंक यू।